सो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं वेंचूर के लिए। आज मैं यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं हो गया हूँ काफ़ी लेट। टाइम लग ही जाता है हमेशा, कभी टाइम पे होता नहीं है। 7 बजे नासिक फाटा पे मिलना था बट पॉसिबल नहीं हुआ। अभी घर पे ही 7:05 हो गए हैं। आश्रय भाई आ गए हैं, चलो आप आगे। तो ये रहे आश्रय भाई, फुली लोडेड। ओ नासिक हमारे यहाँ से कुछ है, नासिक ने वेंचर तो 214 मतलब 214 किलोमीटर मैप पे शो कर रहा था। एग्जैक्ट कितना है देखते हैं आगे। देखो सुबह सुबह ट्रैफिक, रोड का काम। तो सुबह सुबह फॉग देख रहे हो, ये 7 बजे हमारी तो सुबह सुबह ही है। तो हमने ले लिया राइट और सीधा है नासिक चाकन भोसरी। तो ये हमारा घर से काफ़ी नज़दीक पड़ता है ये हाईवे। ये डायरेक्ट हाईवे जाता है नासिक के लिए। तो यहाँ पे रुके हैं हमारे बाइकर्स। या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हो कितने बाइकर्स आ चुके हैं। ये देखो ओहो क्या बात है, नज़ारे ही नज़ारे हैं। सो पहुँच गए, ये रही मेरी गाड़ी, सामान पूरा लोडेड है। ये सारे बाइक्स हैं यहाँ पर। पहले गाड़ियाँ तो ये अमित भाई ले रहे हैं सबकी फोटो। ये सनी भाई तो ये रहे हमारे सारे बाइकर्स। इनको लाना है ना। सो अभी निकल रहे हैं हम लोग। तो ये भाई साहब हमारे लीड करेंगे, अमित भाई, आश्रय भाई आगे पीछे। तो ये राइडर्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बाइक्स है और एक बाइक मिलेगा हमको मोशी नाके पे। तो आरती भी रेडी हो रही है, गेयरअप कर रही है। ये हमारे भाई साहब आज क्लासिक पे है। इनका हिमालयन आ रहा है न्यू ईयर में। यो ये रहे सारंग भाई, ये देख लो भाई सारंग भाई को हमारे, देख लो। चलो निकलते हैं। यो मैन, तो सारे राइडर्स हमारे निकल चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं पीछे रह गए। ये देखिए आ जाएगा नज़ारा, आज बहुत लोग हैं और आरती भी है साथ में।
ग्लव्स हो गए बहुत सारे ठंडे ठंडे। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया नवा हाईवे। हाँ हाँ, स्पीड ब्रेकर लगाए हुए हैं। अभी ये नासिक तक ऐसा ही हाईवे है, थोड़ा बहुत बीच में काम चल रहा होगा बट हाईवे काफ़ी अच्छा है। हमें रुकना है आगे, कहाँ है, तो आगे से मिल गया हमें डाइवर्जन लेफ्ट के लिए। वहाँ पे कुछ काम चल रहा था जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो हम पहुँच गए हैं घाट पे, अभी घाट पे भगाएंगे गाड़ी, मतलब चलाएंगे। भगानी तो क्या है, चलानी है पिलियन के साथ। हो कोई आगे से तो नहीं आ रहा, मेरे को याद भी नहीं है ये सिंगल वे है या डबल वे है, वरना मैं ये साइड चलाऊँ आगे से आ जाए गाड़ी थाड़ करके हो जाए काम। ये जो डाइवर्जन मिला था सिर्फ घाट के लिए मिला था, वापस मेन हाईवे पे ही पहुंच गए हम लोग। यहीं पे ब्रेकफास्ट करना है, माय गॉड यहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी भीड़ है, हमारा नंबर कब आएगा। अमित भाई यहाँ नंबर कब आएगा अपना, कोई और नहीं है जहाँ पे सिर्फ हम लोग रुके। एक्चुअली मुझे बापू से 100 किलोमीटर दूर है वो। हाँ क्या, क्योंकि बोल नहीं सकते अपने को टेबल भी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि भीड़ देखो ना कितनी है। 10-15 मिनट रुकी है ये, तो टाइम ही टाइम है। ठीक है, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे पता नहीं अपने को इतने टेबल मिलेंगे कि नहीं, पॉसिबल नहीं होगा मेरे को लगता है। आगे देखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे इतनी भीड़ है यार, कब नंबर आएगा। हम लोग 22 लोग हैं। हाँ यहाँ पे ठीक लग रहा है मुझे। हाँ आ जाओ, ये सही है। तो यहाँ रुके हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये सारी गाड़ियाँ हो गई हैं पार्क। ये भाई साहब देख रहे हो, वेज पुरोहित वेज, हम भी है। अरे भाई साहब आप तो यार क्या बोलूँ आपको, भगा ही रहे हो जब से देख रहा हूँ मैं है? क्यों ऐसा? तो एक्चुअली आज आरपी रुका हूँ मैं। आरपी, आरपी का मतलब क्या होता है? रनिंग पायलट होता है सर। रनिंग पायलट, तो आज रनिंग पायलट हूँ मैं, तो इसलिए आगे कभी पीछे कभी नहीं, तो उल्टा आगे पीछे कभी आगे। तो फाइल पूरा का पूरा मेंटेन करने की जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है। सनी भाई भी साथ देंगे इसमें, जरूर देंगे, जरूर देंगे। जब भी हमारा टाइम आएगा हम भी देंगे, हम पिलियन साथ में है ना, तो उतना भगा नहीं पाते हैं। चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो आरती भी यहाँ पर है हमारे साथ, चलो आरती आ जाओ। तो यहाँ पे अभी हमें जगह मिल जाएगी। बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं। ये हमारी माँ, हैशटैग माँ। तो आ गया हमारा वेज ग्रिल सुबह सुबह नाश्ते में। यार जी बोल रही है सैंडविच खाना है। नहीं, सबसे पहले आश्रय भाई ने बोला कि सैंडविच खाना है ना भाई, ये फूड मॉन्स्टर है, फूड ब्लॉगर है हमारा भाई ये, तो इसीलिए इनकी बोला कि क्या खाए हम लोग, तो बोले ये खाओ। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलना भी है जल्दी। तो हो गया हमारा सबका ब्रेकफास्ट, तो अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। अमित भाई चले गए आगे, चलो अपन भी गाड़ी करते हैं स्टार्ट। चलो बाकी के 4-5 लोग रह गए हैं पीछे, तो वो आ जाएं फिर हम लोग निकलेंगे। टाइम बाद कैमरा ऑन किया है। एक्चुअली इतना मज़ा आ रहा है ना, ऐसा खुला रोड है, बहुत भगा रहे हैं हम लोग। वो
मतलब आगे पीछे भगाना चालू ही है, कभी हिमालयन, कभी इंटरसेप्टर, कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे। मज़ा बहुत आ रहा है, इसलिए फिर कैमरा ऑन करने के लिए मन ही नहीं किया मैं। चलो अभी तो ऑन कर ही देते हैं, मेरा स्पीडोमीटर बंद है, हम लोग रहेंगे कुछ अबो 100। ये हमारा रनिंग पायलट है अश्रय भाई, अभी इसको भी क्रॉस करते हैं। हम लोग अभी जुन्नर पहुंच गए, कितना किलोमीटर है पता नहीं, मेरा स्पीडोमीटर बंद है, पर जुन्नर पहुंच गए हम लोग। ये जुन्नर का पहला टोल नाका है जहाँ पे ये अभी चालू है टोल, क्योंकि जो पीछे वाला टोल था पहले मोशी और चाकन के बीच में का, वो तो अभी फ़िलहाल बंद है, यही वाला चालू है। मतलब जुन्नर तक कोई टोल नहीं है, जो भी टोल है यहाँ से स्टार्ट होगा जुन्नर से। क्या नज़ारे हैं यार, हाईवे रोड, मस्त गाड़ी भाग रही हो और आजू बाजू पहाड़ हो, उधर भी इधर भी नज़ारे ही नज़ारे। हम लोग पीछे रुके थे तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, इधर से रोड पे भगा भगा आके बोर हो गए थे। एक्चुअली मुझे क्या लगा, सीन क्या हुआ, मुझे लगा बहुत सारे लोग मेरे पीछे हैं, और जब ये लोग सब खड़े थे मेरे को, अरे यार सबसे पीछे मैं ही था, मतलब सब आगे थे सबसे पीछे मैं था, मुझे लग रहा था मैं मतलब बीच में हूँ, बट ये कब आगे गए मुझे पता ही नहीं चला यार, एक एक करके कब निकल गए समझा नहीं इसकी वजह से। तो भाई अब मिल गया हमको ऑफ रोड, बड़ा टाइम से सीधे सीधे रोड पे चला रहे थी। ले भाई भगाओ अब, क्या बात है। देख नहीं ठीक ठीक है, देख रहे हो ऑफ रोड आते सारे कितने खुश हो जाते हैं, हमारे ग्रुप वाले को ऑन रोड से ज़्यादा ऑफ रोड में मज़ा आता है। ले थोड़ा सा ही पैस था, थोड़ा सा ही खुश हुए हम लोग, कोई बात नहीं। फोन आ रहा है किसी का, किसका आ रहा है पता नहीं। ए आश्रय भाई क्या है ये, देखो इनके चक्कर में उल्टे आ गए, एक दो तीन। अब चढ़ो ऊपर, क्या बात है। उल्टा चलना जरूरी है, ज्यादा नहीं थोड़ा। ये हमारे बंदे इधर। क्या नजारा है, अब ऊपर चढ़ना है। वो खड़ जा भाई रे, ओहो यहाँ पे चल रहा है रोड का काम, पूरा ब्रिज वगैरह बन रहे हैं। बर्ड सेंचुरी ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ आ गए, कौन से रोड पे जा रहे हैं को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आहा
मिल जाएगा। माय गॉड, बड़े प्रयास किए यहाँ पहुँचने के लिए और फाइनली हमें मिला। अभी आगे गाय है। ओके, यहाँ पे नंदूर मधेश्वर पक्षी निरीक्षण पर्यटन संकुल। तो बहुत बहुत ऑफ रोड की, बहुत कुछ किया यहाँ आने के लिए। सो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच ही गए। 800 मीटर पे बता रहे हैं। अरे खेतना च प्योर गांव है यार, क्या बात है। बैलगाड़ियों से खेती हो रही है, गन्ने ले जाए जा रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी जगह बर्ड सेंचुरी, क्या बात है यार। यहाँ पे तो हम लोगों ने टेंट लाने चाहिए थे खुद के, गांव वाले से बात करके यहीं टेंट लगा के यहीं सो जाते। Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society. तो बर्ड सेंचुरी में आपका स्वागत है पक्षियों। पक्षियों, आओ मेरे पक्षियों। चलो, ये सारे हमारे पक्षी हैं। नजदीक दिख रहे हैं, वहाँ पे बहुत दूर है, तो इसलिए वापस चलते हैं। नवंबर मार्च में दिखते हैं, वो भी दिखाऊंगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे